अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आज हमारा बैंकिंग का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बैंकिंग और समझेंगे किस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक ने बैंकिंग में किस तरह से तरक्की की। सो लेट्स मूव ऑन। आज का जो हमारा जो लेक्चर डिफरेंट सर्टन पार्ट्स में डिवाइड है, सबसे पहले हम ओरिजिन पढ़ेंगे ऑफ द वर्ल्ड बैंक, उसके बाद इनिशियल मॉडर्न बैंक्स इन हिस्ट्री, देन बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, उसके बाद यूएसए और फिर आखिर में हमारा पाकिस्तान। So, let's move on the origin of the word bank. The theory of one, some authors say that the word bank derives from the word bankus or banku, means bench. And why they say? Because they say, according to them, Jews in Lombardy transacted the business of money exchange on benches in the marketplace. So, according to them, क्योंकि Jews old days में जो एक्सचेंज ऑफ मनी का जो फंक्शन है वो बेंचेस पर परफॉर्म करते थे, तो लिहाजा वर्ड बैंकर्स और बैंक्यू है, इसी से बैंक का वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया। इसी तरह से कुछ ऑथर्स ये भी कहते हैं कि जर्मन वर्ड है बैक, विच मीन्स जॉइंट स्टॉक फंड, और इस जर्मन वर्ड बैक से मौजूदा वर्ड क्या बना, बैंक बना। सो बहरहाल दो थ्योरीज हैं हमारे पास, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बैंक फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है और किस तरीके से मुख्तलिफ टाइम में और हिस्ट्री में कौन से बैंक जो कि आज हमारे पास मॉडर्न बैंक है वजूद में आए। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास हिस्ट्री में जो सबसे पहला जो बैंक है वो बैंक ऑफ वीनस है जो कि इटली में 1157 में डेवलप हुआ, उसके बाद बैंक ऑफ बार्सिलोना जो कि स्पेन में 1401 में, एंड देन उसके बाद बैंक ऑफ जेनीवा जो कि इटली में 1407 में, एंड देन हमारे पास बैंक ऑफ एम्स्टरडैम जो कि नैदरलैंड में 1609 में डिवेलप हुआ। After that, let's talk about the banking history of England. तो सबसे पहले हमारे पास चार्ल्स टू के एरा में वे गवर्नमेंट स्टार्टेड अ फाइनेंस कंपनी जो कि बेसिकली चार्ल्स टू के अखराजात को उठाने के लिए बनाई गई थी, जिसका मकसद ये था गवर्नमेंट के पास इनके जो गोल्ड्स हैं, इनके जो ऑर्नमेंट्स हैं वो महफूज रहेंगे, लिहाजा उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी कायम की जिसका मकसद चार्ल्स टू फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करना था। चार्ल्स टू जब फाइनेंशियल क्राइसिस में आए तो उन्होंने इस कंपनी के मौजूद तमाम एसेट्स को, तमाम गोल्ड्स और सिल्वर्स के जो रिजर्व्स थे कॉन्फिसिकेटेड कर लिया, जिसकी बदौलत ये कंपनी बंद हो गई। इसके बाद चार्ल्स थ्री के एरा में इन्हीं गोल्ड के डीलर ने 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद रखी, लेकिन इस बार ये बैंक पार्लियामेंट के अंडर में था। देन इन 20th सेंचुरी चार बड़े बैंक इमर्ज हुए इंग्लैंड की बैंकिंग हिस्ट्री में, पहला लॉयल बैंक, दूसरा मिडलैंड बैंक, तीसरा बार्कलेज बैंक, चौथा नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक। सो लेट्स मूव ऑन द बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ यूएसए। अलेक्जेंडर हैमिल्टन फाउंड बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन 1791, then after that second bank of united states opened in january in 1817. In 1819-1925 the investment banking industry was highly concentrated and dominated by an oligopoly that consisted of jp morgan and co, conlabe and co, brown brothers and kidder, and peabody and co। बेसिकली ये कंपनीज थी जो कि ओलिगोपॉली के तहत कायम हुई थी और जिन्होंने पूरे अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बुनियाद रखी और डोमिनेट किया पूरी यूएसए की बैंकिंग इंडस्ट्री को इस एरा में। मौजूदा दौर में अमेरिका में 5200 से ज़्यादा बैंक्स और सेविंग इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं और यूएसए का बैंकिंग सिस्टम लोन बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है जो कि आपको टोस्टर से लेकर कार तक इंस्टॉलमेंट पर देते हैं, और इनका पूरा का पूरा निज़ाम इनके बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है। इनके फाइनेंशियल कोलैप्स की ही वजह से वर्ल्ड में दो बार रिसेशन आ चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन द बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इनिशियली तौर पे पाकिस्तान जब बना 1947 में तो यहाँ हमारे पास अपना कोई बैंक मौजूद नहीं था। हबीब बैंक 1947 में बम्बई से कराची शिफ्ट हुआ और मुस्लिम कमर्शियल बैंक इन 1948 शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू चिटागांग। हमारे पास
अपना भी कोई सेंट्रल बैंक मौजूद नहीं था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्व एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल June 30, 1948, और उन्होंने ही वो तमाम खिदमत अंजाम दी जो कि एक सेंट्रल बैंक को परफॉर्म करनी होती है एक कंट्री में। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनॉग्रेटेड बाय कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऑन July 1948। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हुआ कि बैंक्स को पहले नेशनलाइज किया गया, फिर प्राइवेटाइज किया गया, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बैंक जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस नेशनलाइजेशन की वजह से वो अंडर परफॉर्म करने लग गए। आज पाकिस्तान में मोर देन 490 बैंक्स काम कर रहे हैं और इस्लामिक बैंकिंग, कन्वेंशनल बैंकिंग, सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तमाम इदारे पाकिस्तान में बहुत बूम पर हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज है और स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री के तौर पर जानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।